राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद ने पीडब्ल्यूडी के संघ भवन पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे राज्य कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी वे अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो 25 अक्टूबर से महाहड़ताल किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया, जो पेंशन बहाल करेगा, जो पेंशन और जुर्म के टक्कर में, अरे जोर जुर्म के टक्कर में बदल दो। धरना प्रदर्शन कोई विशेष मांग नहीं है, हमारी मांग बड़े लंबे अरसों से चले आ रही पुरानी पेंशन बहाली की केवल मांग है, बाकी इसमें हमने कोई मांग नहीं रखा है। पुरानी पेंशन सरकार भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद कर रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से बंद कर रखा है, इसी प्रकार जब जब सरकारें चाहे कर्नाटक ने 2006 से बंद कर रखा है, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तिथियों से बंद रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है केंद्र का मुद्दा है, ऐसा नहीं है, केंद्र का मुद्दा रहता 2004 से ही सबकी पेंशनें बंद रहती, ऐसा नहीं किया गया और ये केवल कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है। बुढ़ापे में हमारा एकमात्र साथी होता था बढ़ोती की लाठी जिसको हम लोग कहते थे, और ये नंगे पेट खाली पेट जब हमारा कर्मचारी 35 साल की सेवा के पश्चात जाएगा तो खाएगा क्या, उसका पेट पालन कैसे होगा, सरकार को ये दिखाने के लिए हम लोगों ने अर्धरंग प्रदर्शन किया है।